हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। आज के इस वीडियो में भर्ती रोजगार शिक्षा जगत की बहुत ही बड़ी अहम सूचना हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो रिक्त पदों पर नई भर्ती के निर्देश को लेकर शिक्षा मंत्री जी का आदेश है, वहीं पर UPTET 2022 परीक्षा कार्यक्रम आवेदन प्रक्रिया पर भी बड़ी अपडेट है। UP SSSC से एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है और एक और बड़ी भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं एक एक करके। दोस्तों, पूरी अपडेट से पहले एक बार आपको ध्यान दिला दें, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं UP SSSC की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 24 जून 2022 यानी कल देर शाम इस नोटिस को जारी कर दिया गया है, जहां पर आयोग के जो विज्ञापन था 6/2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत जो मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो परीक्षा है, वो प्रदेश के 3 जनपदों में लखनऊ, बरेली, वाराणसी में 3/7 को यानी कि 3 जुलाई 2022 को सुबह 10 से 11:30 बजे के बीच में आयोजित कराई जाएगी। इसी को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। दोस्तों, घोषणा ये की गई है कि जो भी छात्र इस फॉर्म को भरे हुए हैं और परीक्षा में बैठने वाले हैं, वो 24/6/2022 यानी कल देर शाम से ही UPSSSC.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और समस्त जो भी उसमें निर्देश हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आ चुके हैं, फटाफट जाकर डाउनलोड करें। इसके बाद दोस्तों, हम सबसे बड़ी आपको अपडेट देंगे UPTET 2022 परीक्षा कार्यक्रम पर लेकर। जी हाँ, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले UPTET 2022 की सूचना आ चुकी है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि UPTET 2022 की जो परीक्षा है वो सबसे पहले देखने को मिलेगी, इसी क्रम में बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, ये जो अपडेट है टाइम्स नाउ डिजिटल की तरफ से की गई है, जहां पर बताया गया है कि UPTET 2022 जो नोटिफिकेशन है उसकी ताजा अपडेट आ चुकी है। जहां 24 तारीख की ये घोषणा है और जहां पर जानकारी दे दी गई है दोस्तों कि जो UPTET 2022 की परीक्षा की जो अधिसूचना है वो जल्द यहां पर जारी हो सकती है। बताया गया है कि जो अधिसूचना है आधिकारिक वेबसाइट UPDLA.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर इसी सप्ताह यानी कि आने वाला जो सप्ताह है, सोमवार से शनिवार के बीच में इसी सप्ताह किसी दिन भी जारी की जा सकती है, जहां पर परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, पूरे आवेदन प्रक्रिया को लेकर अन्य सभी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। ऑफिशियल नोटिस की हम तत्काल आपको जानकारी दे देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जानकारी यह भी है कि UPTET 2022 आवेदन प्रक्रिया के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों का जो डेटा है वो परिषद तक पहुंच चुका है और परिषद ने शासन स्तर तक उसे पहुंचा दिया है। लगभग 2 लाख के आसपास रिक्त पदों का डेटा जानकारी निकल कर आ रही है। समय UPTET 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार छात्र कर रहे हैं उनके लिए अच्छी अपडेट आ सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री ने आखिर में कौन से आदेश दिए हैं। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने तकनीकी संस्थानों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दे दिए हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश में जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं उनको भरने के निर्देश हो रहे हैं, और उसी क्रम में प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी ने, आशीष पटेल जी ने, प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थानों में जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी को भरने के लिए निर्देश दे दिए हैं। इस संबंध में जो शासन आदेश है उसके अनुसार कार्यवाही करने के भी निर्देश उन्होंने दे दिए हैं और कह दिए कि जितने भी यहाँ पर पद रिक्त हैं, समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने आदेश दे दिया है कि जितने भी पद रिक्त हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में शैक्षिक स्टाफ क्यों, निदेशक क्यों, सभी को तत्काल भर लिया जाए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रोजगार का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए ये भी अच्छी अपडेट है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट पर। अगली अपडेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीरों में वायुसेना की यहां पर जो भर्तियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी तक अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो पहले ही दिन 3,500 लोगों ने वायुसेना में आवेदन यहां पर कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया लगातार यहां पर चालू है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो फटाफट आप इसके लिए जाकर आवेदन कर सकते हैं। पर दूसरी अच्छी अपडेट ये आ चुकी है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वायुसेना में यहां पर 5 जुलाई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी अपडेट दोस्तों ये आ गई है नौसेना के अभ्यर्थियों के लिए। जी हां, क्योंकि नौसेना के लिए आज से जो ऑनलाइन पंजीकरण खिड़की है वो खुल जाएगी और जो भी छात्र देश भर में वायुसेना के साथ नौसेना में आवेदन करना चाहते हैं वो यहां पर आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर इसकी जो परीक्षाएं लगभग 24 जुलाई के आसपास कराई जा सकती हैं। तो आप जैसे यहाँ पर आधिकारिक घोषणा होगी तो आधिकारिक नोटिस आ जाएगी, आप उसकी भी अपडेट दे देंगे। फिलहाल आधिकारिक वेबसाइट से आप यहाँ पर आवेदन आज से शुरू कर लें।
इन तस्वीरों में आप दोस्तों देख सकते हैं स्केलिंग मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा जो छात्र हैं लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पीसीएस में स्केलिंग के लिए शुक्रवार को भी यहाँ पर लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्र प्रदर्शन करते हुए देखे। स्केलिंग के प्रतियोगियों ने यहाँ पर आयोग को घेरा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस में स्केलिंग जो स्केलिंग है उसे बंद किए जाने का आरोप छात्र लगातार लगा रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को आयोग का घेराव किया, प्रदर्शन के दौरान नाराबाजी की और छात्रों ने दावा किया कि आयोग ने पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग बंद कर दी है। इसी वजह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसे ना बंद किया जाए। वहीं पर छात्रों ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। पर दोस्तों अगली जो अपडेट है वो HPSC से आ रही है, जहां पर 700 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हां, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर यहां पर मौका है। अगर आप 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में हैं तो आप फटाफट इसके लिए आवेदन कर लें, क्योंकि अगर आप यहां पर योग्यता रखते हैं, बीएससी ऑनर्स की डिग्री है एग्रीकल्चर में प्राप्त किए हैं, संस्कृत या हिंदी विषय में मैट्रिकुलेशन 10+2 BA MA हिंदी विषय के साथ किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर आप चयन पा सकते हैं। अंतिम जो तिथि है 19 जुलाई 2022 है। www.hpsc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत ₹1000 का शुल्क देते हुए आप आवेदन कर लें। आज की वीडियो दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।